नमस्कार, जय भूमिपुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। इन दिनों लखनादौन तहसील के थाना आधे गांव में पदस्थ थाना प्रभारी राहुल बघेल की ताबड़तोड़ कार्यवाहियों से अवैध धंधा करने वालों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बीती रात मुखबिर की सूचना पर गुरुदयाल पिता रामचरण सिंह यादव निवासी तिलवोड़ी को उसके ही घर से अवैध शराब का व्यापार करते पुलिस ने धर दबोचा। साथ में उसका एक साथी भी इस धंधे में शामिल है और पुलिस ने दोनों के साथ अंग्रेजी शराब भी जब्त की और आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जब मैंने इसके घर के अंदर जाके देखा तो इसके घर के अंदर बीच वाले कमरे में और जो छपरी के ऊपर होता है, छपरी के ऊपर मुझे लाल जो मदिरा मसाला है इसकी दो पेटी, जिसमें कुल 180 ml के सौनग सफ़ेद प्लेन जो मदिरा है, इसमें कुल दो पेटी 180 ml के सौनग अंग्रेजी शराब में ट्रिपल एक्स रम की दो पेटी, जिसमें सौनग 180 ml के सौनग और 30 अलग थैली में 30 अलग जिप्सी रम के कुल मिला के 330 बॉटल जो है वहाँ मिली। इसकी कुल लीटर में अगर देखा जाए तो ये 59.400 मतलब लगभग 60 लीटर ही होती है। इसके ऊपर इसे तत्काल मौके पर 34-2 की कार्रवाई करके थाने लाया गया, इसकी गिरफ्तारी की गई। इसे हिकमत इमली से पूछताछ की तो इसने अपने एक साथी का नाम बताया। साथी का नाम है जलेबी उर्फ राकेश, पिता जीत सिंह लोधी, 20 साल निवासी लाट गांव। इसने ये बताया कि मुझे दारू राकेश उर्फ जलेबी ने लाके दी थी, तो मौके पर फिर मैंने दोबारा रवानगी डाला अपनी। मैं बल जाके लाट गांव पहुंचा, जो आज दिनांक को मैंने लाट गांव से जलेबी को गिरफ्तार किया। जलेबी से पूछताछ अभी मेरी जारी है। सिवनी से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।